आ इंडिया पर सीतापुर के लहरपुर कस्बे से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। गांजर के प्रसिद्ध संत त्यागी जी महाराज द्वारा निकाली जाने वाली कांवड़ यात्रा से पूर्व सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्र तैयारियों का जायजा लेने के लिए लहरपुर कस्बा पहुंचे। लहरपुर में एसपी चक्रेश मिश्र ने क्या निरीक्षण किया और मातहतों को क्या निर्देश दिया, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आ इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य जी के पास। तो अरुण जी बताइए कि एसपी चक्रेश मिश्रा का जो आज दौरा हुआ है लहरपुर का, उसमें क्या खास रहा और मातहतों को क्या निर्देश दिए? प्रियांशु जी, हम बताते हैं कि आज दो दिन से लगभग ये पूर्व प्रस्तावित था कि कभी भी नवागत पुलिस अधीक्षक लहरपुर आ सकते हैं, इसको लेकर के यहाँ की स्थानीय पुलिस तैयारियों में जुटी थी। आज शाम को निर्धारित समय से 6:30 बजे मार्च पास्ट चल रहा था पुलिस का, लोकल पुलिस का, चौकी पुलिस का और कोतवाली पुलिस का संयुक्त रूप से। उसी समय पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र जी का आगमन होता है। उस समय मजा सा चौराहा से लेकर के जो लहरपुर की पूर्व कबाड़ मंडी थी उस तरफ के लिए उनका काफिला जाता है और उधर से पद संचलन करते हुए कोतवाल और पुल की टीम जब उनको मिलती है तो उनसे वो मिलते हैं और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं, जो कि कांवड़ यात्रा 25 अगस्त को यहां पर खेमकरण इंटर कॉलेज में आएगी, जिसका स्वागत शिव शक्ति सेवा से सनातन समिति के लोगों द्वारा किया जाएगा। हर वर्ष त्यागी संत शिरोमणि त्यागी जी महाराज जब आते हैं लहरपुर तो रात्रि प्रवास करते हैं। खेमकरण इंटर कॉलेज उनके रुकने का प्रमुख स्थान है। वहां पर जाना चाहिए था पुलिस अधीक्षक को, लेकिन वहां पर भी पुलिस अधीक्षक जी नहीं पहुंचे। केवल मजासा चौराहे पर पहुंचकर उन्होंने रास्ते का और उस जगह चौराहे का निरीक्षण किया, जहां से कांवड़िया पैदल मार्च करते हुए छोटिया काशी गोला को जाते हैं। जी आचार्य जी, ये जो कांवड़ यात्रा निकाली जाती है त्यागी जी महाराज के द्वारा, ये कहां से कहां के लिए जाती है और इसमें करीब कितने लोग रहते हैं? जैसा कि विगत एक दशक से मैं देखता चला रहा हूँ कि ये यात्रा रतनगंज से जल लेकर के कांवड़ के लिए लोग जल भरते हैं और लगभग 30,000 से 40,000 आदमी व्यक्ति जो होते हैं कांवड़ लेकर के नंगे पांव वहां से चलते हुए पैदल चलते हुए रात्रि प्रवास पहले तो करते हैं यहाँ सीतापुर में लहरपुर सीमा में, फिर अगले बार वो लखीमपुर करते हैं, फिर तीसरे दिन जाकर के जो गोला गोकर्ण नाथ है वहां पर कांवर का जल चढ़ाते हैं। जी आचार्य जी, इस दौरान कितनी देर एसपी चक्रेश मिश्र लहरपुर रुके और उन्होंने मातहतों को क्या निर्देश दिए और डीजे वालों के लिए भी कुछ खास निर्देश दिए हैं, जरा बताइए। लगभग उनका रुकना 20 मिनट रहा है और उतनी देर में उन्होंने अपने मातहतों से भी बात की है और मीडिया से भी रूबरू हुए हैं। साथ में उन्होंने जो डीजे को लेकर के कहा है कि उससे संबंधित डीजे जो संचालक है उनकी एक बैठक की जाएगी, उनसे बैठक होगी और उनसे उनको निर्देश दिए जाएंगे कि किस ध्वनि से किस स्तर पर उसका प्रयोग करेंगे, और उसके लिए उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जो डीजे में जो साउंड ले जाते हैं उन लोगों से वो बात करें और उनको अनुशासन का जो पाठ है वो पढ़ाएं। जी आचार्य जी, क्या इस दौरान कुछ लोगों से भी एसपी चक्रेश मिश्र ने बात की है? नहीं नहीं, केवल मीडिया से ही रूबरू हुए हैं। मीडिया ने उनसे कई प्रश्न भी किए हैं यहाँ की व्यवस्था को लेकर के, यहाँ के अंदर चल रहे लहरपुर में जो है लकड़ी मंडी व्यापार को लेकर के, जो इस समय यहाँ की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है कबाड़ मंडी के बाद में, तो इस प्रकार से जो लहरपुर की विभिन्न समस्याएं हैं इन मुद्दों पर यहाँ के स्थानीय पत्रकारों द्वारा चर्चा की गई और उनसे प्रश्न पूछा गया, जिनका उन्होंने बड़ी ही शालीनता पूर्वक जवाब दिया। जब आई इंडिया के द्वारा उनसे पूछा गया यहाँ की लकड़ी मंडी, जब सबसे बड़ी लकड़ी मंडी है जनपद की, जहाँ करोड़ों रुपए का प्रतिदिन का कारोबार होता है और ओवरलोड वाहन निकलते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नया हूँ और मैं आया हूँ, मुझे पता मिला है, मैं इस घटना की पूरी एनालिसिस करूंगा और उससे उसके बाद मैं जो उचित कार्रवाई होगी वह करूंगा। जी बिल्कुल, तो कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए योगी सरकार भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसी को लेकर सीतापुर के जो एसपी हैं चक्रेश मिश्र, वो उनका दौरा लगातार जारी है,
वो चहलारी घाट से लेके नैमिषारण्य तक पहुंचे हैं, और नैमिषारण्य के बाद आज लहरपुर भी पहुंचे हैं। और वहां पे आपको बता दें कि वो भौगोलिक स्थिति की भी जानकारी इस दौरान निरीक्षण के दौरान कर रहे हैं, और लहरपुर पहुंचने के बाद वहां पे जो मातहत है उनको निर्देशित किया है कि कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उन्हें पूरी तरह की सुरक्षा दी जाए। और थोड़ी दूर तक उन्होंने पैदल मार्च भी किया है, आमजन को सुरक्षा का एहसास भी कराया है, मीडिया से भी रूबरू हुए, मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया है। और आपको बता दें कि आगामी 25 अगस्त को जो प्रसिद्ध त्यागी जी महाराज हैं, इनकी एक कांवड़ यात्रा निकलती है रतनगंज से गोला के लिए, जिसमें करीब 30 से 40 हजार जो है शिव भक्त जो है जल लेकर गोला गोकर्णनाथ में जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। उसके लिए खास निर्देश दिए हैं लहरपुर पुलिस को, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, शिव भक्तों को इसके लिए निर्देशित किया है। वहीं जो मीडिया है उनसे भी रूबरू हुए हैं, और जो दिक्कतें हैं लहरपुर कस्बे में वो भी मीडिया से जानी है, और उस पे ये भी कहा है कि वो अभी नए हैं जिले में, वो धीरे धीरे सब जानकारी करके ठोस कार्रवाई भी करा जाएंगे। तो फिलहाल सीतापुर एसपी जो है इनका लगातार ताबड़तोड़ दौरा जारी है, और वो रोज किसी ना किसी प्रियांशु जी मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर वो आज पहुंचे हैं लहरपुर में, वो लहरपुर का सबसे संवेदनशील पॉइंट हजरत मजा शाह का चौराहा माना जाता है जी, बिल्कुल। कांवड़ियों का जत्था, चूंकि ये मुस्लिम बस्ती है और इस मुस्लिम बस्ती से हो करके कांवड़ियों का भारी जत्था उसी जगह से निकलता है, मजासा चौराहा है, तो उसकी सिक्योरिटी को लेकर के उन्होंने चिन्हित भी किया है कि हमारे किसी भी कांवड़ी यात्री को, किसी भी शिवभक्त को कोई तकलीफ ना हो, और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में उनको कैसे खेमकरण इंटर तक कॉलेज तक पहुंचाया जाए, और कैसे इस जनपद की सीमा तक उनको आगे ले जाएगा, इस पर भी उन्होंने अपने मातहतों को निर्देश दिए जी, बिल्कुल। तो जो संवेदनशील इलाका है उसको चिन्हित करते हुए कांवड़ियों को सुरक्षित निकाला जाए, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना, और डीजे की जो धुन बजाते हैं उसके लिए खास निर्देशित किया है कि उसमें धार्मिक गाने बजे और निर्धारित वॉल्यूम पर बजे, ज्यादा तेज आवाज में ना बजे, और उस पे किसी तरह के फूहड़ गाने ना बजाए जाए। ये डीजे वालों के लिए भी खास जो है हिदायत दी है एसपी चक्रेश मिश्र ने। तो फिलहाल एसपी चक्रेश मिश्र का लगातार ताबड़तोड़ जो है दौरा जारी है, और वो किसी ना किसी क्षेत्र में जाके वहां पहले मातहतों से बात करते हैं और वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। तो एसपी चक्रेश मिश्र लहरपुर कस्बा पहुंचे और वहां के आमजन को सुरक्षा का एहसास बताया कराया, मातहतों को दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद वो तंबौर थाने का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए हैं, जैसा कि जानकारी मिल पा रही है। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए एसपी चक्रेश मिश्र ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हम लोगों की जो कांवड़ यात्रा लगातार जो चल रही है सावन के पवित्र मास में, इसकी तैयारियों को लेकर आज मैंने लहरपुर में थाना की फोर्स के साथ में यहाँ पर जो कांवड़ का रूट है इसका निरीक्षण किया है। साथ में हम लोगों ने यहाँ पर एक 25 तारीख को एक बड़ा जुलूस निकलता है और उसमें कांवड़ यात्री काफ़ी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं, उसके बारे में क्या तैयारियां हैं उनका जायजा लिया गया है। इसके साथ हम लोग इस बार जो भी कांवड़ यात्रा है उसको पूरी तरह से फैसिलिटेशन करते हुए उनका, और किसी भी प्रकार की घटना से उनको बचाते हुए सकुशल उनको यहां से निकालते हुए हम लोगों का पूरा कर्तव्य है उसको हम लोग करवाएंगे, इसकी हम लोग की तैयारी। सर, कांवड़ यात्राओं के साथ डीजे चलते हैं, डीजे के बारे में क्या आपका संदेश है, क्या निर्देश है? डीजे के जो संचालक हैं उन सभी लोगों के साथ लगातार बैठक पुलिस के द्वारा की जा रही है, उनको बताया गया है जो शासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार वो अपने डीजे को चलाएं, जो धार्मिक गाने हैं उनको बजाएं, कोई भी किसी प्रकार का भड़काऊ अथवा किसी इस तरह का जो सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करे ऐसे गाने इस तरह की चीज़ें नहीं बजानी है या कोई अश्लील गाने नहीं बजाने हैं, इस बारे में उनको मैसेज किया गया है, उनको बताया गया है और इसका पालन कठोरता से कराया जाए। थैंक यू। BS एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।